अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू नादियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब जी? यकीनन ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जी बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी, सर्दी के हवाले से, जो सर्दी में बहुत ही पसंद की जाती है। गोभी गोश बन रहा है। चलें जी, तो आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गोश हमने ले लिया है, 1 किलो है। इसको अच्छी तरह से धो लिया है। ये हमने लहसुन लिए हैं, 10-12 जवे हैं। 3 टमाटर लिए हैं, 3 टमाटर, 2 प्याज और हरी मिर्चें हम बाद में डालेंगे। तो चलें इसको डालते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है ये। 10 मिनट में हमारा गोश्त रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम गोभी डालेंगे। तो चलें आप हमारे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम मसाले डालते हैं। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून, सालन मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून डालेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और हम इसे पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं प्रेशर के साथ। चलें इसके ढक्कन को बंद करते हैं। अच्छी तरह से अपनी तसल्ली कर लिया करें, कोई जल्दी नहीं है। फ्लेम को ऑन करेंगे। मीडियम पे रखेंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। वेट करिए इसका, कील का नीचे होने का इंतज़ार किया करें। देखें 1 गिलास पानी डाला था और हमने 10 मिनट इसे प्रेशर दिया है। गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा हो गया है, अब हम इसका पानी सुखाएंगे। चलें जी, तो अब ऑयल भी इसमें साथ ही डाल लेते हैं। मेरे पास फ्रीज़र में था, मैंने फ्राइड चिकन का जो बचा हुआ ऑयल है वो यूज़ कर रही हूँ। बस अब भी इसे 5-10 मिनट और तेज़ आंच पे रखेंगे। अब हम गोश्त में डालेंगे हरी मिर्चें, 3-4 हरी मिर्चें। गोभी में तो वैसे भी अच्छी लगती हैं, ज़रा ज़्यादा हो तो। गोभी डाल, 1 किलो हमने ले ली थी। हल्की सी ग्रेवी रह जाए तो आपने इसमें गोभी डाल देनी है। ये देखिए, मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसको प्रेशर नहीं देंगे, ऐसे ही बस ढक्कन रख के 10 मिनट के लिए पकने के लिए मीडियम आंच पे रख देंगे ताकि गोभी गल जाए। 1 गोभी का फूल हमने लिया था। तो देखें सारे मसाले परफेक्ट हैं, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। गोभी गोश्त रेडी हो चुका है, हमने कोई और पानी नहीं डाला, जो गोश्त का अपना ही पानी जो हमने 1 गिलास डाला था उसी में गोश्त भी गल गया और गोभी भी। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है गोभी गोश्त। तो चलें अब हम इसे निकाल लेंगे। आपने अगर गोभी को ज़्यादा देर मतलब रखना है, आपको अगर ज़्यादा वो पसंद है नरम, तो आप 5-10 मिनट और रख लें। हमारे घर में इसी तरह पसंद की जाती है तो इसलिए हम इसी तरह से बनाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो चलें जी, हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें। देसी मसालों से बनने वाली रेसिपीज़ होती हैं, घर के मसाला जात होते हैं जो आप सबके घरों में मौजूद होते हैं, उन्हीं मसालों से बनने वाली रेसिपीज़ हैं, आसान है बिल्कुल। तो हमारी भी अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।